गाइज यू मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल स्किल लर्निंग। आपका मेरे चैनल स्किल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका टॉपिक है जो बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स, क्लास सेवेंथ का चैप्टर 2C है हमारा, और इस चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है उसमें मैंने सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 तक, और 2C मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट की हुई है। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है उनसे मेरा निवेदन है कि ज़रूर देखें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है अ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर। एक टैंक है हमारा, जिस टैंक का 3/5 पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इतना इस टैंक में पानी है। 50 लीटर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। अगर हमें इसे अभी और भरना है ऊपर तो अभी हमें 50 लीटर पानी की और ज़रूरत है। कितने लीटर की? 50 लीटर। अगर हम इस टैंक को पूरा भरना चाहते हैं तो हमें 50 लीटर पानी और चाहिए होगा। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स कैन द टैंक होल्ड। तो टैंक में टोटल कितने लीटर पानी आ सकता है ये बता रहा है। मान लेते हैं टैंक में टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक्स लीटर पानी आता है। हमें नहीं पता ना कितने लीटर पानी आता है, तो हमने अपने मन से लेट कर लिया, लेट द टैंक कैन कंटेन एक्स लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, एक टैंक एक्स लीटर पानी कंटेन कर सकता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, आ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर, यानी कि जितना भी इसमें वाटर है उसका 3/5 पार्ट तो पहले से भरा हुआ है। ठीक है, सिंस 3/5 पार्ट इज फुल ऑफ वाटर, देन हम क्या करेंगे, 3/5 मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है फुल ऑफ आ गया तो मल्टीप्लाई वाटर कितना है एक्स, तो क्या हो जाएगा 3/5 एक्स, यानी कि हमारा एक टैंक है जिसमें एक्स लीटर पानी आता है, इसका 3/5 पार्ट भरा हुआ है, यानी कि 3/5 एक्स पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, हमें अभी 50 लीटर पानी की ज़रूरत और है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें भी 50 लीटर पानी की ज़रूरत और है। तो देखो, अगर मैं 3/5 एक्स जो पानी है जो पहले से भरा है अगर उसमें मैं 50 लीटर पानी और डाल दूँ तो टोटल टैंक भर जाएगा, यानी कि टोटल टैंक में एक्स लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर 3/5 एक्स पार्ट हमारा टैंक का ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें मैंने 50 लीटर पानी और डाला यानी कि प्लस किया, तो टोटल मिला के पानी से पूरा टैंक भर गया, यानी कि टोटल टैंक में पानी कितना हो गया, एक्स हो गया। दोनों इक्वेशन इक्वल है। अब बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 50 इक्वल टू 3/5 एक्स को हम एक्स के पास ले जाएंगे क्योंकि सेम टर्म्स एक साथ चलते हैं, तो उसका एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 2x/5। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या आया, 2x/5। अब देखिए कंपेयर कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, यहाँ नीचे वन पुट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 2x, और 5 5 25 होते हैं, 250 इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125। यानी कि टोटल टैंक में हमारा स्टार्टिंग में अगर हम पूरा पानी भरते टोटल टैंक में तो 125 लीटर भर पाता। ठीक है, 3/5 पार्ट उसका ऑलरेडी फिल था। ठीक है, और 50 लीटर और डाल दिया तो टोटल मिला के हमारे पास टैंक में 125 लीटर पानी हो गया। यहाँ पे इसकी यूनिट भी लिखनी ज़रूरी है, यूनिट के चक्कर में एक दो नंबर फालतू में कटते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोला जा रहा है, मिस्टर जोशी बैकेटेड 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन। मिस्टर जोशी हैं, उन्होंने अपने जो भी मनी है उसका 1/3 पार्ट अपने बेटे को दिया हुआ है, 1/5 टू हिज डॉटर एंड 1/5 पार्ट अपनी बेटी को दिया हुआ है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग टू हिज वाइफ, और जितना भी बचा अपनी वाइफ को दे दिया। ठीक है, मान लो इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है और ये रही इसकी वाइफ। इसने बेटे को, उसके पास टोटल 5 रुपये थे, उसने 2 रुपये अपने बेटे को दे दिए, 1 रुपये अपनी बेटी को दे दिया, और जितना भी बचा हुआ था वो अपनी वाइफ को दे दिया। यानी कि वाइफ को कितने रुपये दिए होंगे, 2 रुपीज़ दिए होंगे।
ठीक है, इसी तरीके से अब हमें क्वेश्चन करना है। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा जाएगा, टोटल उसके पास कितना मनी था, 2 + 2 + 1 = 5 रुपीज़ थे। अब हमें इसी तरीके से करना है, हमें नहीं पता कि हमारे पास टोटल मनी कितना है, लेट द टोटल अमाउंट, हम उसे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल एक्स रुपीज़ है, ठीक है। His son get, उसके सन को कितना मिला, 1/3 ऑफ एक्स, यानी कि जितने भी उसके पास रुपीज़ थे उसका 1/3 पार्ट मिला। तो ऑफ की जगह हमें मल्टीप्लाई रखना है, 1/3 एक्स पार्ट उसके सन को मिल गया। उसकी डॉटर को कितना मिला, 1/5 ऑफ एक्स, यानी कि उसके पास जितने भी रुपए थे उसका 1/5 पार्ट उसने अपनी डॉटर को दे दिया, यानी कि 1/5 एक्स दे दिया। आगे क्या बोला जा रहा है, एंड द रिमेनिंग 2 इज 5, उसके पास टोटल एक्स रुपीज़ थे, टोटल उसके पास 5 रुपीज़ थे, 2 अपने बेटे को दे दिया, 1 अपनी बेटी को दे दिया, ठीक है। अब उसके पास टोटल कितने रुपीज़ बचे, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा, 5 में से 2 और 3 1 को माइनस करो तो 2 रुपीज़ उसने अपनी वाइफ को दे दिए, यानी कि उसने अपनी वाइफ को कितने रुपीज़ दिए होंगे, एक्स में से हमें उसके सन का और डॉटर का घटाना है, 1/3x + 1/5x, ठीक है। तो सन में से जब हम बेटे का सॉरी टोटल मनी में से जब हम बेटे को दिया हुआ मनी और बेटी को दिए हुए मनी को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे जो मिस्टर जोशी थे उन्होंने अपनी वाइफ को कितना मनी दिया, ठीक है। तो 4200 रुपीज़ उसने दिए हैं। इन सबका आपस में एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम सबका आएगा 15, तो 15x - 5x - 3x = 4200, 15x - 8x / 15 = 4200, 15x में से 8x के 7x बचे अपॉन 15 = 4200, ये कट जाएगा आपस में, 6000 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो x = 90,000 रुपीज़, यानी कि मिस्टर जोशी के पास टोटल अमाउंट कितना था, 90,000 रुपीज़ का था। तो हैंस करके तो आप खुद ही लिख लेंगे, हैंस मिस्टर जोशी हैव टोटल मनी = 90,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अ बॉय स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड द 4/5 ऑफ द रिमाइंडर इज गिविन टू हिज सिस्टर। एक बॉय है, उसको मान लो 4 रुपये मिलते हैं, 4 का 3/4 पार्ट मान लेते हैं हम अपने मन से, 1 रुपया वो खर्च कर देता है, ठीक है। और उसकी एक सिस्टर है, जो भी सिस्टर है उसे बचे हुए का 4/5 पार्ट देता है, यानी कि कितना बचा हुआ है, 4 रुपीज़ उस पर थे, 1 रुपया वो खर्च कर देता है अपने ऊपर। अब उसके पास टोटल 3 रुपीज़ बचे हैं और 3 रुपीज़ का भी वो 4/5 पार्ट अपने सिस्टर को देता है, मान लीजिए 2 रुपीज़ वो अपने सिस्टर को दे देता है, ठीक है। इफ़ ही हैज़ 40 रुपीज़ लेफ्ट, अब उसके बावजूद उसके पास 40 रुपीज़ बचे हैं, यानी कि मान लो यहाँ पे 4 रुपीज़ उसके पास स्टार्टिंग में थे, 1 रुपीज़ उसने खुद के ऊपर खर्च कर लिया और 2 रुपीज़ उसने अपने सिस्टर को दे दिए, अब उसने टोटल कितने रुपये मतलब अपने ऊपर और अपनी सिस्टर के ऊपर खर्च किए, 3 रुपीज़ खर्च किए, लेकिन अब रिमेनिंग उसके पास कितना रुपीज़ रह गया, शुरू में 4 था अब 3 रह गया, मतलब उसके पास अब 1 रुपया रह गया है, 3 रुपये उसने खर्च कर लिया, 4 में से 3 गए तो 1 रुपया बचा। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, हमें लेट कर लेना है उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपीज़ था, यहाँ पर तो हमें पता था 4 रुपीज़ था, हम लेट कर लेते हैं, लेट ही है एक्स रुपीज़ इन फर्स्ट, यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में एक्स रुपीज़ थे। अ बॉय स्पेंड 3/4 ऑफ हिज टोटल मनी, ही स्पेंड्स, उसने कितना खर्च कर दिया, 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी, उसकी पॉकेट मनी एक्स रुपीज़ थी, एक्स रुपीज़ का 3/4 पार्ट क्या हो जाएगा, 3/4x उसने खर्च कर दिया, एंड 4/5 ऑफ द रिमेनिंग इज गिवन टू हिज सिस्टर। अब कितना रुपीज़ बचा, उसने एक्स रुपीज़ था उसके पास स्टार्टिंग में, 3/4 पार्ट उसने खर्च कर दिया, तो रिमाइंडर यानी कि कितना रुपीज़ अब उसके पास बचा होगा, ही हैव नाउ एक्स में से जब हम 3/4x जो भी उसने खर्च कर लिया उसे माइनस कर देंगे तो उसके पास अब x/4 रुपीज़ बचा,
अब जो एक्स अपॉन 4 रुपीज़ बचा है उसका 4 अपॉन 5 पार्ट अपने सिस्टर को दे दिया। एक्स अपॉन 4 का 4 अपॉन 5 पार्ट उसने अपनी सिस्टर को दे दिया, यानी कि एक्स अपॉन 5 रुपीज़ उसकी सिस्टर को मिले होंगे और उसे एक्स अपॉन 4 रुपीज़ मिले होंगे। इफ़ ही हैज़ 40 रुपीज़ लेफ्ट, अगर अब भी उसके पास 40 रुपीज़ बचे, यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में एक्स रुपीज़ थे, उसने एक्स अपॉन 4 रुपीज़ अपने अपने ऊपर खर्च करे, एक्स अपॉन 5 रुपीज़ अपने बहन के ऊपर खर्च करे, तो अब उसके पास टोटल में से अपने अपनी बहन के रुपीज़ को माइनस करने के बाद में 40 रुपीज़ बचे हैं। तो बस सिंपल हो गया, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अब उसके पास टोटल कितने रुपीज़ बचे हैं मैं यहाँ कर देती हूँ, 20 माइनस 15 माइनस 4, 20 में से 19 गए, एक्स अपॉन 20 इक्वल टू 40। ठीक है, एक्स अपॉन 20, देखिए 20 में से 19 माइनस करेंगे तो एक्स ही आएगा, एक्स अपॉन 20 इक्वल टू 40, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 800 रुपीज़, यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में 800 रुपीज़ थे। ठीक है, उसने कुछ पार्ट अपनी सिस्टर अपने ऊपर खर्च किया, जो भी पार्ट बचा उसमें से कुछ पार्ट अपनी बहन को दे दिया, और जब बहन को उसने कुछ पार्ट दे दिया उसके पास 40 रुपीज़ लेफ्ट थे। उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ मैगजीन है 60 पेजेस, एक मैगजीन है, ये एक हमारी मैगजीन है, इसमें टोटल 60 पेज हैं, कितने पेज हैं 60 पेज हैं, ऑफ विच 7/12 आर फॉर एडवर्टाइजिंग, इसमें से जो 7/12 पेज हैं वो एडवर्टाइजिंग के लिए रख रखे हैं, एंड 4/5 हैव ओनली फोटोग्राफ, और 4/5 पार्ट है वो फोटोग्राफ के लिए है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे जो जो बोलते जा रहे हैं उसे लिखते जा रहे हैं। एडवर्टाइजिंग के लिए कितने पेज हैं 7/12, ठीक है, ऑफ विच, यानी कि 7/12 ऑफ 60 पेजेस हमारे पास, यानी कि 7/12 मल्टीप्लाई बाई 60, 35 पेजेस है, 35 पेजेस पे हमारे एडवर्टाइज हो जाती है, और 4/5 है ओनली फोटोग्राफ, और जितने भी पेज है 60 में से फोटोग्राफ कितने पेजों पे आता है, फोटोग्राफ आता है हमारा ओनली 4/5 पेजेस पे, 60 में से 5 से कट हो जाएगा 12 बार, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट हो गया है, यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, 16 पेज उसने फोटोग्राफ पर खर्च किए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, एंड द रेस्ट आर फॉर आर्टिकल्स एंड स्टोरीज, अब जितने भी पेज बचे हैं वो आर्टिकल और स्टोरीज के लिए। अब देखिए आपके पास टोटल कितने पेज बचे हैं, 35 तो आपने एडवर्टाइज के लिए यूज़ कर लिया, 16 आपने फोटोग्राफ्स के लिए ले लिए, अब उसके पास रेस्ट कितने बचे, रेस्ट उसके पास पेजेस बचे हैं 60 में से, आपको इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है, तो 35 और 16 का प्लस करने पर आता है हमारा 51 आता है। ठीक है, तो यानी कि बचे हुए कितने पेज हैं, 9 पेजेस हैं जो कि हमारे स्टोरीज और आर्टिकल्स के लिए हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि स्टोरीज और आर्टिकल्स के लिए कितने पेजेस थे, 9 पेजेस। एक बार और समझ लेते हैं, आपके पास एक मैगजीन है, इसमें टोटल मिला के 60 पेजेस हैं, टोटल मिला के कितने पेजेस हैं, इसमें 60 पेजेस हैं, ये 60 पेजों का 7/12 पार्ट आपने एडवर्टाइजिंग के लिए कर लिया। ठीक है, फोटोग्राफ के लिए कितना कर लिया, 4/5 पार्ट कर लिया यूज़, अब बचा कितना, यानी कि 35 पेजेस आपके एडवर्टाइजिंग के लिए चले गए, 16 पेजेस आपके फोटोग्राफ्स के लिए चले गए, यानी कि 51 पेज आपने टोटली यूज़ कर रखे हैं। अब कितने पेज बचे आपके पास, 60 में से, अब आप 51 माइनस, यानी कि टोटल पेज में से एडवर्टाइज और फोटोग्राफ के जब आप पेज माइनस करेंगे तो आपके पास 9 पेज बचे हैं, कितने पेज बचे हैं आपके पास, 9 पेज। ठीक है, यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो उसने यही तो पूछा, एडवर्टाइजिंग और उसके लिए स्टोरीज के लिए कितने पेज बचे, 9 पेज ही तो बचे हैं, डेट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, स्टीव इज प्लानिंग टू बेक 3 लोव्स ऑफ ब्रेड, स्टीव एक बच्चा है जो कि ब्रेड के टुकड़े बनाने की कोशिश कर रहा है, ईच लोव कॉल्स 5 राइट 1/4 कप्स ऑफ लोव,
एक लोफ यानी कि एक टुकड़े बनाने में उसे 5 राइस 1/4 कप आटा लगता है, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया, ही नीड टू मेक अ लोफ, एक लोफ बनाने में उसे कितने आटे की जरूरत है, 5 राइस 1/4 यानी कि 21/4 कप एक लोफ बनाने के लिए। तो वो तो 3 लोफ बना रहा है ना, तो ही नीड फ्लोर टू मेक 3 लोफ। तो सीधी सी बात है, जब आपको एक, मान लो आप एक बिस्किट बनाने में 2 ग्राम आटा ले रहे हैं, एक बिस्किट बनाने में आप 2 ग्राम आटा ले रहे हैं, तो 2 बिस्किट बनाने में 4 ग्राम लेंगे और 3 बिस्किट बनाने में 6 ग्राम लेंगे। यानी कि अगर आप 3 का डायरेक्टली आप 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो हम ऐसे ही डायरेक्टली कर लेते हैं, 3 लोब्स, 1 लोब्स के लिए जब इतने की ज़रूरत है तो 3 के लिए 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर उसे 3 ब्रेड बनाने हैं तो उसे इतने कप फ्लोर की ज़रूरत होगी, ठीक है। ही नोज डेट ही हैज़ 20 कप्स ऑन हैंड। अब उसके पास कितना है टोटल आटा, 20 कप्स है। ही हैज़ 20 कप्स। तो सीधी सी बात है कि अब हमारे ब्रेड तो बन ही जाएंगे इतने में। विल ही हैव इनफ फ्लोर लेफ्ट टू मेक अ केक रेसिपी डेट रिक्वेस्ट ही राइट 3/4 कप्स। अब देखो उसके पास इतना कप आटा है और उसने इतने ही फ्लोर बनाने हैं, इतने ही कप आटे का उसने ब्रेड बनाने हैं, तो उसके पास टोटल कितना आटा रह जाएगा। ही लेफ्ट द तो अब कितना आटा बचेगा, उसके पास टोटल 20 कप आटा था, उसने 63/4 आटा यूज़ कर लिया, यानी कि अब उसके पास 80 - 63/4 7 और 7 - 6 17/4 कप आटा बचा है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करें, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 20, 4.25 कप आटा है उसके पास। उसको क्या चाहिए, एक केक और बनाना है जो कि 3 राइट 3/4 कप आटे में अनुपाता है, ठीक है। एक केक बनाना है जो कि 3 राइट 3/4 कप आटे में अनुपाता है। तो उस केक की हमारे पास कितनी, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है 3 राइट 3/4, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, नहीं इधर नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली कर लीजिए, 4 × 3 = 12 12 और 3 = 15 और 15/4 कप आटा और चाहिए उसे अगला ब्रेड बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, 17/4 कप उसके पास आटा रिमेनिंग था, अभी उसे 15/4 कप और चाहिए बस। तो सीधी सी बात है, उसने यही पूछा जा रहा है कि अगर 3 राइट 3/4 कप आटे का अगर वो केक बनाना चाहता है या ब्रेड बनाना चाहता है, जो कुछ भी बनाना चाहता है, तो क्या वो बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, उसके पास ज़्यादा आटा बचा है, 17/4 पार्ट उसके पास आटा बचा है, जबकि उसे सिर्फ 15/4 आटे की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्लियर है, आपके पास आपको 3 ब्रेड के टुकड़े बनाने हैं, बेक करने हैं, आपके पास आटा है थोड़ा सा, तो एक ब्रेड का टुकड़ा अगर 5 राइट 1/4 में बनता है, सॉरी 5 राइट 1/4 में बनता है, तो 3 ब्रेड के टुकड़े कितने में बनेंगे, 16/63/4 का पार्टी में बन जाएंगे 3 ब्रेड के टुकड़े। लेकिन उसके पास टोटल 20 का आटा है, मतलब उसके पास ज़्यादा आटा है, यानी कि उसका कुल कितना आटा बचा है, उसने इतना तो यूज़ कर लिया, उसके पास टोटल इतना आटा था, माइनस करके पता चला उसके पास 17/4 आटा है अभी, ठीक है। अब लेकिन उसे अभी एक कप, एक केक और बनाने का मन कर रहा है, उस केक को बनाने के लिए उसे 15/4 आटे की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो उसके पास 17/4 आटा है, आराम से केक भी बन जाएगा और आटा भी बच जाएगा, ठीक है। तो यस आएगा इसमें, हाँ केक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आ स्टैंडर्ड पेपर क्लिप इज अबाउट 2 राइट 4/5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ़ यू ले 60 पेपर क्लिप्स एंड टू एंड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द पेपर ऑफ द क्लिप, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपके पास एक स्टैंडर्ड पेपर की क्लिप है जो कि 2 राइट 4/5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो लेंथ ऑफ वन क्लिप कितनी हो जाएगी। एक क्लिप है आपके पास जो है 2 राइट 4/5 सेंटीमीटर यानी कि 14/5 सेंटीमीटर लॉन्ग की है। इफ़ यू ले 60 पेपर क्लिप्स एंड टू एंड, अगर आप
60 पेपर की क्लिप को आपस में एक साथ ऐसे सटा कर लगाती हैं, ठीक है। और एक पेपर की क्लिप कितनी है, 14/5, तो 60 पेपर की क्लिप कितनी होगी डायरेक्टली, है ये तो समझ में आ गया होगा, लेंथ ऑफ 60 पेपर क्लिप पूछा जा रहा है। तो आप कब तक ऐसे प्लस करेंगे, 14/5 + 14/5 + 14/5, डायरेक्टली आपने मेथड पढ़ा होगा छोटे क्लास में, 2 + 2 + 2 अगर बार बार आ जाए तो 2 × 3 एक ही बार में काम तमाम कर देते हैं, ज़्यादा बार बार प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली एक 6 आ जाएगा आंसर, और ऐसे भी प्लस करेंगे तब भी 6 आएगा। तो डायरेक्टली हम 14/5 में अगर हम 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है, बन 68 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी, 168 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी अगर वो सारी क्लिप को एक साथ सटा कर लगाएगा। दैट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्कूल जिमनेशियम आ 16 मीटर लॉन्ग रोप इज यूज फॉर टीचिंग चिल्ड्रंस रोप क्लाइंबिंग, टू मेक इट इजियर फॉर द चिल्ड्रन टू क्लाइंब द टीचर हैज ट्राइड नोट्स एट एवरी 8/9 meter, हाउ मेनी नोट्स आर देयर इन द रोप। तो ये पूछा जा रहा है, अगर कोई भी जिमनास्टिक का जिमनेजियम का कोई भी शो हो रहा है स्कूल में, उसमें एक रोप यूज़ हो रही है जो कि आपकी 16 मीटर लंबी थी, 16 मीटर लंबी आप रोप घर से लेके गए, लेकिन टीचर आपको उस रोप पे चढ़ना सिखा रहा है, ठीक है। अब चढ़ना आसान हो जाए, आप ऊपर चढ़ेंगे तो चढ़ना आसान हो जाए, यानी कि आपको कुछ सहारा मिल जाए चढ़ने के लिए, बीच में फंदे होंगे या बीच में नोट्स होंगी तो आप आसानी से उन्हें पकड़ के चढ़ लेंगे। 16 मीटर की रोप थी, तो जब टीचर चढ़ना सिखाता है तो टीचर ने क्या किया, हर 8/9 meter पर उसने एक नोट बांध दी, हर 8/9 meter आता वो एक नोट बांध देता, ठीक है। ऐसे ही उसने कई सारी नोट बांध दी, तो उसने टोटल कितनी नोट बांध दी, आप देखिए आपके पास 16 मीटर की रोप है, ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालना है, एक नोट आपकी 8/9 meter पे बन रही है, ठीक है। तो 16 meter लंबे जो रस्सी है उसमें टोटल कितने नोट्स बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स निकालने, तो 16 में अगर आप 8/9 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, 16/8। अब इधर ये थर्ड वाला फर्स्ट में आ जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 × 16 = 18, आपको 18 नोट्स जो टीचर था उसने 18 नोट्स लगाई हैं टोटल रोप में, टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं इस वाले क्वेश्चन में हमें। रोप की जो लेंथ थी 16 मीटर थी और उसने हर 8/9 meter पर नोट्स बांधी हुई हैं, तो उसने टोटल कितनी नोट्स बांधी हुई हैं, ठीक है। और जब भी हमें नंबर निकालना होता है हमें मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ता है, हमने इसमें डिवाइड किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें पूछा जा रहा है, योर वाटर बॉटल कंटेन 5 / 1/4 liter ऑफ वाटर, आपके पास एक वाटर की बोतल है जिसमें टोटल कितना पानी रखती है, 5 / 1/4 liter वाटर है इसमें, यू ड्रिंक, आपका मान लीजिए पानी की बोतल है स्कूल ले जाने वाली, उसमें 5 / 1/4 liter पानी आ सकता है, यानी कि कितना टोटल लीटर पानी आ सकता है, टोटल वाटर कितना रख सकती है, 5 × 20 = 21/4 liter वो पानी रख सकती है, ठीक है, एक बोतल में इतना पानी आ सकता है। यू ड्रिंक 1 / 3/7 liter एवरी डे, आप हर रोज 1 / 3/7 liter पी लेते हैं, तो आप वन डे में कितना पी पाते हैं, एक दिन में आप 1 / 3/7 liter पानी पी लेते हैं, यानी कि 10/7 liter आप पानी एक दिन में पी जाते हैं। डू यू हैव इनफ वाटर टू, क्या आपका पानी 4 दिन तक चल पाएगा, आपके पास 21/4 liter पानी है, आप एक दिन में 10/7 liter पानी पीते हैं, तो 4 दिन में आप कितना पानी पियेंगे, 4 days में आप कितना पानी पी पाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 40/7 liter, ठीक है, 40/7 liter पानी की ज़रूरत है आपको 4 दिन में पीने के लिए। तो क्या आपके पास 4 दिन लायक पानी है कि नहीं है, अब देखो पानी ज़्यादा होगा तभी तो हम 4 दिन तक चला पाएंगे, तो देखिए चल पाता है कि नहीं, आप टोटल पानी में से आपके लिए जितने पानी की नीड है उसे माइनस कीजिए, 28 आ जाएगा इसका एलसीएम, 160, तो इसका अगर 4 × 7 = 28, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28, 4 × 4 = 16, यानी कि बोतल में 147/28 liter पानी आता है,
अगर नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है, इस वजह से मैंने ये किया है। और 160/28 लीटर पानी आपको पीना है, यानी कि बोतल में पानी कम आ रहा है, आपका 4 दिन तक पानी नहीं चल पाएगा। तो नो वी हैव नॉट इनफ वाटर टू लास्ट फॉर 4 डेज, हमारे पास 4 दिन पीने के लिए पानी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल स्किल लर्निंग, और आप अब मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है स्किल लर्निंग एजुकेशनल, उसका नेम है। आप अपने सर्च बॉक्स में जाकर उसे सर्च कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।